तो भाई एयरपोर्ट पहुंच गए और जो कराची एयरपोर्ट है ना वहाँ पहुंचे, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अच्छा बना हुआ है। बोर्डिंग हो गई है और फ्लाइट में जो है तकरीबन 30 मिनट रह गए, बहुत ज्यादा लेट हो गए, तो मैं टैक्सी में जा रहा ताकि जल्दी पहुंच जाए। जहाज के अंदर इंटर हो गया हूँ मैं, अब जो है मैंने अपनी सीट ढूंढनी है। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है क्योंकि मुझे घर से निकले हुए भी 3-4 घंटे हो गए, तो भूख ज़्यादा लग रही है। रोटी खोल दो शफीक अहमद। तो भाई फाइनली दुबई एयरपोर्ट पे पहुंच गए, जो सफर था ना पूछे, बहुत ही अच्छा सफर है, 2 घंटे ऐसे गुजरने ना ना पूछे। तो मेरी जो नेक्स्ट फ्लाइट है फ्रैंकफर्ट जर्मनी के लिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम है, तकरीबन 5 घंटे हमने वेट करना है। फाइनली जो वेटिंग टाइम था वो ख़त्म हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ अपने जहाज की तरफ, जो हमारी फ्लाइट है फ्रैंकफर्ट जर्मनी के लिए, और हमारा जो जहाज़ है वो भी लग चुका है। और इस फ्लाइट में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी हैं खाने के लिए, ये पानी की बॉटल आ गई है, जूस आ गया है, और इसके बाद फाइनली हमारा मेन कोर्स आ गया है। तो भाई फाइनली जो है जर्मनी पहुँच गया, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर उतर गया हूँ, और जो सामान वगैरह था वो भी मेरा आ गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वकार अहमद वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे, अच्छे होंगे। भाई मैं आया हुआ था पाकिस्तान बकराईद करने के लिए, और बकराईद पर जो है बहुत मज़ा आया पाकिस्तान में, और जो छुट्टियां थी ना पूछे, बहुत ही जल्दी जो है वो छुट्टियां ख़त्म हो गई, जो दिन थे ना पूछे, बहुत ही जल्दी जो है वो दिन गुजर गए। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कल जर्मनी से आया था और आज मैं वापस जा रहा हूँ। अच्छा, तकरीबन 1 महीना मैं यहाँ पे रुका और 1 महीने की छुट्टी ऐसे ख़त्म हो गई है। और मेरे साथ मौजूद है शावेज भाई और इस्माइल भाई भी। तो शावेज भाई आप मुझे मिस करोगे? नहीं जी। क्या मिस करोगे? साइकिल चलाते थे एक साथ, गेम खेलते थे, बैट बॉल खेलते थे, है ना जी। बकराईद पे मजा आया था? हाँ, मुझे मजा आया था। अच्छा, और इस्माइल भाई आप कैसे हैं? उधर फिस्टा पार्क पे बहुत मजा आता है। क्या कह रहे हो? फिस्टा पार्क पे बहुत मजा आया था जी। फिस्टा पार्क पे बहुत मजा आया था। इस्माइल भाई को फिस्टा पार्क पे बहुत मजा आया था। अच्छा, आप मुझे मिस करोगे? जी बहुत मिस करूंगा। चल झूठा। अच्छा, अभी आप क्या कह रहे थे, आपको फिस्टा पार्क में बहुत मजा आया था जी? कल हम आप साइकिल नहीं लेके जाना। अच्छा, साइकिल में नहीं लेके जाऊंगा। अच्छा ये बताओ, फिस्टा पार्क में मजा आया था जी? क्या मजा आया था, स्लाइड पे मजा आया था या जो पानी था स्विमिंग पूल वहाँ पे? दोनों चीज में मुझे मजा आया था। तो भाई हमारे इस्माइल भाई को जो है फिस्टा की जो अभी भी याद आ रही है, बहुत ज्यादा मजा आया था। और बकराईद पे भी इन्होंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, मुझे भी एंजॉय करा, इन्होंने खुद भी बकराईद जो है बहुत एंजॉय किया। जब कल आऊंगी ना, दूसरी बकराईद आएगी ना, जब हम दूसरे फिस्टा पार्क पर जाएंगे। ठीक है। तो भाई हमारे इस्माइल भाई कह रहे हैं जब दूसरी बकराईद आएगी ना, जो कल आप आओगे, तो उस पर भी हम दोबारा फिस्टा वाटर पार्क चलेंगे। सही है, ठीक है। तो भाई सामान वगैरह पैक हो गया और कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए, रेडी शेडी हो गए। और जो कराची एयरपोर्ट है ना वहाँ पे बहुत ज्यादा खूबसूरत और अच्छा बना हुआ है, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेक करें भी, और ये व्यू चेक करें भाई, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा व्यू आ रहा है कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। हर तरफ जो है वो दरख्त ही दरख्त लगे हैं, और जो नाइट व्यू है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आ रहा है भाई, चेक करें। और ड्रॉप ऑफ के ऊपर ही बहुत ज़्यादा रश हुआ हुआ है क्योंकि इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट है, तो जल्दी से जो है वो अंदर चलते हैं और जो बोर्डिंग उसे करवाते हैं, सामान वगैरह जमा करवा के चलते हैं जहाज़ की तरफ। बोर्डिंग हो गई है और फ्लाइट में जो है तकरीबन 30 मिनट रह गए, बहुत ज़्यादा लेट हो गए, तो मैं टैक्सी में जा रहा ताकि जल्दी पहुँच जाए। तो भाई फाइनली जो है जहाज में एंटर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया बोर्डिंग में, सामान जमा कराने में, हर तरफ जो है बहुत ज़्यादा रश हुआ था, लेकिन अब फाइनली जो है टाइम पर अपने जहाज में जा रहे हैं, और इस वाले जहाज में जो हमने बैठना है। तो भाई फाइनली अपनी सीट के ऊपर बैठ गए हैं, बहुत ज़्यादा रश था, हर तरफ जो बहुत लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी, आज काफ़ी ज़्यादा रश है एयरपोर्ट पे, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गई, बाल तो सारे ख़राब हो गए, और अभी हमारा जो सफ़र पूरा बाकी है, तकरीबन 15 से 16 घंटे में लग जाएंगे पहुँचने में। और इधर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, इंफॉर्मेशन में टुडेज फ्लाइट चेक करते हैं, बाहर का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 30 सेंटीग्रेड हो रहा है, और इसके अलावा कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं, जैसे जहाज से लेकर तो सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास इंटरटेनमेंट आ गया, इंटरटेनमेंट में टीवी पॉडकास्ट आ गया, और इस तरफ हमारे पास जो हमें गेम्स भी दिए हुए, काफ़ी ज़्यादा गेम्स भी दिए हुए, तो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करें होंगे जैसे जहाज चलेगा। और भाई बाहर का व्यू चेक करें, कराची इंटरनेशनल जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू आ रहा है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे कराची पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़। और ऑलमोस्ट हमारी जो फ़्लाइट है वो टेक ऑफ करने वाली है, तो अभी हम जा रहे हैं रनवे की तरफ।
और भाई ये व्यू चेक करें, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा व्यू आ रहा है कराची शहर का, रोशनियों का शहर कराची, और दूर दूर तक जो है लाइटिंग ही लाइटिंग नज़र आ रही है। अभी फ्लाइट को चले हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और मुझे ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है और बहुत नींद भी आ रही है। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जल्दी से जो है वो खाना सर्व करें, तो खाना खा के जो है थोड़ी देर सो जाएंगे, क्योंकि मुझे घर से निकले हुए भी 3-4 घंटे हो गए, तो भूख ज़्यादा लग रही है। रोटी खोल दो शफीक अहमद। तो भाई फाइनली हमारा जो है खाना आ गया, सबसे पहले पानी की बॉटल है, उसके बाद मक्खन आ गया है और इसमें चम्मच वगैरह दिए हुए इन्होंने, और ये हमारे पास दूध आ गया, 1 चम्मच जितना इन्होंने दूध दिया है, और इसके बाद हमारे पास एप्पल जूस आ गया है, और ये ब्रेड आ गई हमारी, उसके बाद कुछ फ्रूट्स दिए हुए, तरबूज खरबूजा ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, और ये स्ट्रॉबेरी जेली दी हुई है, और ये जो मेन कोर्स है ये वो आ गया है, इसमें जो है इन्होंने ऑमलेट बनाया हुआ है और चिकन का एक कबाब बनाया हुआ है, कुछ सब्ज़ी वगैरह दी हुई है, तो टेस्ट करके देखते हैं। मजेदार। और खाना खाने के बाद जैसे ही मैंने विंडो से बाहर देखा है तो हम दुबई की सराउंडिंग में इंटर हो चुके थे, और यहाँ पे जो है मेरा तकरीबन 5 घंटे का स्टे है, यहाँ पे मेरी 5 घंटे की कनेक्टिंग फ्लाइट है फ्रैंकफर्ट जर्मनी के लिए, और जो दुबई का व्यू आ रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू आ रहा है, चेक करें भाई। और कुछ ही देर में जो है हम दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। तो भाई फाइनली दुबई एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, जो सफ़र था ना पूछे, बहुत ही अच्छा सफ़र है, 2 घंटे ऐसे गुजरने ना ना पूछे। तो अभी जो है वो वेटिंग एरिया में जाना है, वेटिंग एरिया में जो कनेक्टिंग फ्लाइट है उससे पकड़ते हैं, और हमारी जो कनेक्टिंग फ्लाइट है फ्रैंकफर्ट जर्मनी के लिए उसका गेट चेक कर लेते हैं, टाइमिंग चेक कर लें कि टाइमिंग जो हमारी कन्फर्म है। तो हमारी फ़्लाइट है EK045 फ्रैंकफर्ट, 8:25 पर हमारी जो है फ्रैंकफर्ट की फ़्लाइट है। तो मेरी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है फ्रैंकफर्ट जर्मनी के लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम है, तकरीबन 5 घंटे हमने वेट करना है। तो स्लोली स्लोली अपने गेट की तरफ चलते हैं, और एयरपोर्ट के अंदर ही इन्होंने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मॉल बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं अपने गेट की तरफ, और आई थिंक गेट की डायरेक्शन भी इसी तरफ से दी हुई है, चेक करें भाई, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा मॉल बनाया हुआ है इन्होंने। तो भाई दुबई एयरपोर्ट जो है हमने घूम लिया है, काफ़ी बड़ा और अच्छा एयरपोर्ट बना हुआ है। तो अभी जो मेरा गेट है जिसमें मैंने फ्रैंकफर्ट वाली जो मेरी फ्लाइट है वो A14 है, मैंने कुछ तो उस गेट पे जल्दी से चलते हैं, क्योंकि फ्लाइट में जो है तकरीबन 4 घंटे भागी, लेकिन जो गेट है वो A14 है, तो उसे ढूंढने में जो है वो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो जल्दी से जो अपने वेटिंग एरिया में चलते हैं वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये A1 से A24 तक जो है वो इस डायरेक्शन में बता रहा है, तो इस तरफ हम चलते हैं। A few moments later. तो A गेट पे मैं पहुंच गया हूं, और इस गेट से जो है मैंने अपने दूसरे गेट की तरफ जाना है, और उसके लिए जो है बस का इंतजार कर रहा हूं। बस में बैठ के हम जो अपने मेन गेट की तरफ जा रहे होंगे, और हमारी बस इस गेट पर आएगी, तो वेट करते हैं। A few moments later. कुछ ही देर बाद जो मेरी बस भी आ गई, और बस में बैठ के मैं जा रहा हूँ दूसरे गेट की तरफ जहाँ से मैंने फ्लाइट लेनी अपनी फ्रैंकफर्ट जर्मनी के लिए। फाइनली A14 गेट पे मैं पहुंच चुका हूं जहां से मेरी फ़्लाइट है फ्रैंकफर्ट जर्मनी के लिए। तो यहां पे जो है अभी वेट करना है, तकरीबन अभी भी 3 घंटे बाकी है मेरी फ़्लाइट में, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई और बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, घर से निकले हुए मुझे तकरीबन 7-8 घंटे हो गए हैं और अभी भी जो है मैंने 3 घंटे और वेट करना है। 3 days later. फाइनली जो वेटिंग टाइम था वो ख़त्म हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ अपने जहाज़ की तरफ जो हमारी फ़्लाइट है फ्रैंकफर्ट जर्मनी के लिए, और हमारा जो जहाज़ है वो भी लग चुका है, तो जल्दी से जो है अपने जहाज़ की तरफ चलते हैं और जहाज़ में बैठते हैं।
और ये व्यू चेक करें भाई, सुबह का टाइम हो रहा है, तकरीबन 8 बज रहे हैं और ये वाला जो जहाज है ये भी ऑलमोस्ट टेक ऑफ के लिए रेडी है। और ये आ गया मेरा जहाज और जो मेरी फ्लाइट है वो भी ऑलमोस्ट टेक ऑफ के लिए रेडी है। तो चलते हैं अपने जहाज की तरफ और सीट पे बैठते हैं। जहाज के अंदर इंटर हो गया हूँ मैं, अब जो है मैंने अपनी सीट ढूंढनी है। तो भाई किधर है मेरी सीट? और ये आ गई है मेरी सीट। तो भाई आपके भाई के लिए सारी चीज़ें पहले से इन्होंने अरेंज की हुई हैं, हेडफोन हो गए, ब्लैंकेट हो गया, सारी चीज़ें इन्होंने पहले से अरेंज करके आपके भाई के लिए रख दी हैं। तो ये हेडफोन आ गए और ये ब्लैंकेट आ गया। तो आई थिंक इस जहाज़ में जो है थोड़ी सर्दी ज़्यादा होगी क्योंकि पहले ये जो है बहुत ज़्यादा चिल हो रहा है। और इधर उन्होंने कोई बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, सेफ्टी टिप्स आ गई हैं और स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन आ गई है, कनेक्टिविटी इंटरटेनमेंट आ गया जैसे पिछले वाले जहाज़ में था हमारा। और ये हमारी खाने की टेबल आ गई है, इसके ऊपर हम खाना खा रहे होंगे। इसके अलावा इन्होंने रिमोट दिया हुआ, रिमोट में काफ़ी ज़्यादा फंक्शन, आप सारी चीज़ें यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। और रिमोट के पीछे उन्होंने कीबोर्ड दिया हुआ, आप कोई चीज़ सर्च करना चाह रहे हो तो यहाँ से इनपुट दे सकते हैं। और इसके अलावा इन्फॉर्मेशन आ गई, कनेक्टिविटी, इंटरटेनमेंट, सारी चीज़ें रिमोट पे भी दी हुई इन्होंने। और ये हमारे पास मोबाइल चार्जिंग के लिए ऑप्शन आ गया, USB पोर्ट आ गई, यहाँ पे आप हेडफोन लगा सकते हैं। और लैपटॉप चार्ज करना चाह रहे हैं, मोबाइल चार्ज करना चाह रहे हैं अडैप्टर से, वो भी आप कर सकते हैं। अभी भी फ्लाइट के टेक ऑफ होने में तकरीबन 10 से 15 मिनट बाकी है, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुका हूं और इंतजार कर रहा हूं कि जल्दी से जो है फ्लाइट टेक ऑफ करे और थोड़ी देर सो जाएंगे तो जो सफ़र है वो भी थोड़ा जल्दी गुजर जाएगा। ऑलमोस्ट जो जहाज़ में जितने भी लोग थे वो बैठ चुके हैं, ऑलमोस्ट हम जो है टेक ऑफ के लिए रेडी हैं। फाइनली स्लोली स्लोली हम जो है रनवे की तरफ जा रहे हैं, ऑलमोस्ट हम जो है वो टेक ऑफ करने वाले हैं। और जो बाहर जो धूप है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा धूप नज़र आ रही है। बाहर का जो टेम्परेचर है दुबई का आई थिंक 35 प्लस तो टेम्परेचर होगा कि जो धूप है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है धूप। तो भाई सामने कोई फ्लाइट आई है या टेक ऑफ के लिए रेडी हो रही है और हम भी जो है वो रनवे के ऊपर आ गए। आहिस्ता आहिस्ता जो है प्लेन की स्पीड भी जो है तेज़ होना स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई कुछ ही मिनटों में जो है हम भी टेक ऑफ कर जाएंगे दुबई एयरपोर्ट से फ्रैंकफर्ट जर्मनी के लिए। और ये व्यू चेक करें भाई, जब हम दुबई रात में पहुंचे थे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू आ रहा था, जो दुबई का नाइट व्यू था वो भी बहुत अच्छा था और डे में भी जो है दुबई का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आ रहा है, चेक करें भाई। तो भाई जहाज़ जो है बहुत ज़्यादा चिल हो रहा है और मुझे जो है वो सर्दी लगना स्टार्ट हो गई, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लैंकेट ले लिया जाए, जर्मनी जाते हुए कहीं बीमार ना हो जाए। जब मैं दुबई से चला तो स्काई इतना क्लियर नहीं था और अभी हमें तकरीबन चले हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया है और जैसे जैसे हम यूरोप की साइड पे जा रहे हैं तो जो स्काई है बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया, बिल्कुल ब्लू स्काई हुआ हुआ है। और भाई ये जहाज़ की स्पीड आ गई है 569 मील पर आवर की स्पीड से जो है जहाज़ जा रहा है और तकरीबन -42 सेंटीग्रेड के करीब जो है बाहर का टेम्परेचर हो रहा है, बिल्कुल फ्रीजिंग हुआ हुआ है। और तकरीबन 3 घंटे 20 मिनट में हम जो है फ्रैंकफर्ट जर्मनी पहुंच जाएंगे और थोड़ी देर बाद ही जो है इन्होंने खाना सर्व करना स्टार्ट कर दिया। और इस फ्लाइट में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी हैं खाने के लिए, ये पानी की बॉटल आ गई है, जूस आ गया है, इसके अलावा हमारे पास बिस्किट आ गए हैं, हनी बिस्किट लग रहे हैं कोई, और ये कांटा चम्मच आ गया है, ये केक लग रहा है थिंक मुझे, और ये सैलेड आ गया, बहुत मज़े का सैलेड बनाया हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दी हुई इन्होंने। इसके अलावा हमारे पास बिस्किट आ गए हैं, इसके अलावा इन्होंने जो है आई थिंक ये टिशू पेपर लग रहा है और ये मक्खन लग रहा है और ये भी कोई मक्खन ही लग रहा है। इसके अलावा एक पैकेट और है, इसकी खोल के चेक करेंगे इसमें क्या है। और ये ब्रेड आ गई है और इसके बाद फाइनली हमारा मेन कोर्स आ गया है और बिल्कुल वेजिटेरियन इन्होंने बनाया हुआ, टमाटर आ गए, मटर आ गए हैं और ये पास्ता आ गया हमारा और चिकन आ गया है। तो भाई जल्दी से जो है ये इसे टेस्ट करके देखते हैं ये कैसा बना हुआ है। तो अपना जो कांटा चम्मच है उसे निकाल लेते हैं सबसे पहले। और ये काली मिर्चें आ गई हैं, इसके अलावा इन्होंने नमक भी दिया हुआ है। तो आइए भाई हमारा जो मेन कोर्स है उसे टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले चिकन आ गई है, मज़ेदार। और खाना खाते हुए जैसे मैंने विंडो से बाहर देखा तो हम जर्मनी की सराउंडिंग में इंटर हो चुके थे और बहुत ही अच्छा मौसम हुआ हुआ है, यहाँ पे हर तरफ जो है क्लाउडी वेदर हुए हैं और ये बादल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने रुई रखी हुई है। और जो जर्मनी की वाइब्स है ना मुझे बहुत ही अच्छी वाइब्स हैं क्योंकि यहाँ पर हर तरफ जो है वह ग्रीनरी ग्रीनरी है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और जो हमारी जहाज़ की हाइट है वो भी कम होना स्टार्ट हो चुकी है
और कुछ ही देर में जो है हम लैंडिंग करने वाले हैं। ये व्यू चेक करें भाई, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा व्यू आ रहा है फ्रैंकफर्ट शहर का। हर तरफ जो है वो ग्रीनरी ग्रीनरी हुई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी जहाज़ की लैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा सेफली हो चुकी है और मैं पहुंच गया हूँ फ्रैंकफर्ट जर्मनी। तो अब जल्दी से जो है वो जहाज़ से बाहर चलते हैं और अपना जो लगेज वगैरह उसे लेते हैं। और जो जर्मनी का मौसम है ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकली हुई है। तो अब चलते हैं अपने लगेज की तरफ और अपना जो लगेज है उसे कलेक्ट करते हैं। One hour later. तो भाई अभी तक जो है मेरा लगेज नहीं आया, मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश है, काफ़ी फ्लाइट्स आई हैं, इसकी वजह से जो है मेरा लगेज काफ़ी देर हो गई, अभी तक आया नहीं है। तो अभी भी जो है मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ, दूसरी तरफ बेल्ट पर भी आ गया हूँ, इधर भी जो है मेरा लगेज नहीं आया, इंतज़ार करते हैं। तो भाई फाइनली जो है जर्मनी पहुंच गए, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर उतर गया हूँ और जो सामान वगैरह था वो भी मेरा आ गया। सामान जो है काफ़ी देर बाद आया है, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है मुझे, लेकिन सामान सारा आ गया, अल्लाह का शुक्र है। अभी जो है सामान गाड़ी में रखना है और चलना है घर। A few moments later. तो जी जनाब फाइनली मैं जर्मनी पहुंच गया हूं पाकिस्तान से। जो मेरी फ्लाइट थी तकरीबन 15 से 16 घंटे की फ्लाइट थी और बहुत ज्यादा थकावट हो गई ना, ना पूछे। 2 घंटे की मेरी फ्लाइट थी कराची से दुबई के लिए, फिर 5 घंटे का जो है वो दुबई में स्टे था, और जो मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी दुबई से फ्रैंकफर्ट के लिए वो तकरीबन 6 घंटे की थी। दुबई में जो है बहुत ज्यादा थकावट हो गई थी क्योंकि 5 घंटे का स्टे था वहाँ पे, तो बहुत ज्यादा थकावट हो गई थी। उसके बाद जो है दुबई से फ्रैंकफर्ट की जो मेरी फ्लाइट थी वो भी 6 घंटे की थी, उसमें भी बहुत ज्यादा थकावट हो गई थी और टाइम तो गुजर ही नहीं रहा था। जो फ्लाइट थी ना वो टाइम एक घंटा भी ऐसे लग रहा था जैसे 3-3, 4-4 घंटे का टाइम हो रहा है और टाइम बिल्कुल भी नहीं गुजर रहा था। और जो सेकंड फ्लाइट थी मेरी दुबई से फ्रैंकफर्ट के लिए, उसमें तो इन्होंने खाना भी जो है बहुत ज्यादा लेट दिया था। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। तो भूख भी लग रही थी और नींद भी पूरी नहीं थी, बहुत ज्यादा थकावट हो गई थी। ओवरऑल जो सफर था वो ठीक था, जो फ्लाइट वगैरह थी वो सारी अपने टाइम पर थी, जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी वो भी अपने टाइम पर आई थी और फाइनली जो है पाकिस्तान से मैं जर्मनी पहुंच गया। और पाकिस्तान से जर्मनी वापस आने के बाद जो यहाँ पे खामोशी फील हो रही है ना पूछे, क्योंकि पाकिस्तान में आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो तो हर जगह जो है एक अलग किस्म की रौनक हो रही होती है। जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और इधर पहुंचते हैं ना पूछे, हर जगह जो खामोशी हो जाती है, आपको अपनी फैमिली की याद आ रही होती है, बच्चों की आवाजें आ रही होती हैं, तो टाइम जो है ना इधर भी आके बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। क्या तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो और व्लॉग में। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, और कमेंट में आपने जरूर बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो और व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।